गुजरात पाटनगर कर्णावती में भाई साहब आया साहेब जी जय स्वामीनारायण। योजायेली यूथ पार्लामेंट जेमना आयोजक गुजरातना युवा नेता भाई श्री ऋत्विज भाई अपना प्रवक्ता पण हादा प्रवक्ता नहीं जुजारू प्रवक्ता तरीके नी जेनी छाप छे एवा मारा मित्र भाई श्री संदीप पात्रा जी अपना राज्यना वरिष्ठ नेता राज्य सरकारना सन्माननीय नायब मुख्यमंत्री श्री वर्षो थी भारतीय जनता पार्टी ना पायाना पत्थर थी लई राज्यना नेता सुधीनी स्वबले यात्रा करेला भाई श्री नितिन भाई पटेल हमणा ज आपणी वच्चे पधार्या पूज्य भाई श्री साहेब पुराए देशमांथी पधारेला सौ प्रतिनिधिओ आप सौनू गुजरातमां स्वागत करता हूँ हर्षनी लागणी अनुभवुं छुं। आओ एक नवतर प्रयोग अहीं गुजरात ने आंगणे युवानों माटे योजायो ए माटे हूँ ऋत्विज भाई ने हृदयपूर्वकना अभिनंदन आपू छू। मुझे पता चला इधर आने के बाद कि इसमें ज़्यादातर जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो 19 जितने अपने प्रदेशों में से आए हैं, तो इसलिए मुझे कुछ कुछ हिंदी में भी बोलना पड़ेगा और मेरी गुजराती भी ऐसी है जो गुजराती में समझने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए मैं हिंदी में मेरी बातें रखने की कोशिश करता हूं। ये जो यहाँ आपका मोटो है कि देश की लोकशाही को मजबूत करने के लिए युवाओं में डेमोक्रेसी आए और युवा हमारे डेमोक्रेट बनेंगे उन्हीं को ही आगे देश को चलाना है, इसलिए ये बहुत ही सांप्रंत और सही सब्जेक्ट हैं आज के समय पे। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में आज भारत की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो ये हमारे देश का युवा धन है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इनको इस डेमोक्रेट वे में नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये राजनीति में मतभेद का होना ये लोकतंत्र की अच्छी निशानी है, मगर उस मतभेद के चलते साथ बैठना ही नहीं, साथ चलना ही नहीं, साथ सोचना ही नहीं और एक दूसरे का मुंह देखकर मुंह बिगाड़ के ही रह रहना, ये बहुत ही गलत परसेप्शन आज चल रहा है। इसको तोड़ने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में जाएगा, इसके लिए मैं ये कार्यक्रम को बधाई देता हूँ। ये लोकतंत्र हमारे देश में 1947 से आया है ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना है। आपने गोवर्धन की कथा सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने इसी बारिश की मौसम में ही इंद्रदेव के कोप के सामने अपने सब भक्तों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया था, उसी के चलते इसका नाम गोवर्धन पड़ा था। मगर उस कथा में विषय ये आता है कि वो तो भगवान थे, उनके लिए तो
पूरे ब्रह्मांड को हाथ में उठाना आसान था, फिर भी एक पहाड़ को उठाना था। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, भाई साहब इधर विराजमान है, फिर भी मैं थोड़ी धर्म की बात कर लेता हूं, क्योंकि वो लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, सब गोवालों को बोला कि आप भी अपनी लट्ठी खड़ी रखो और सपोर्ट करो, आप सब सपोर्ट करो, मैं भी बल करूंगा और हम सब साथ मिलकर इस पर्वत को उठा लेंगे। और तभी पहली बार सभी उनके मित्रों ने उनको सपोर्ट किया। ये तभी से इस देश में चालू हो गया टेका देना और खींचना, ये तभी से चालू है, डेमोक्रेसी तभी से हमारे देश में आ गई है। मुझे इसमें अपने जीएसटी का भी एक कानून ध्यान में आता है, उस समय मथुरा का शासन और गोकुल का शासन, वो गांव बदलते ही बदल जाता था, तो नदी के सामने मथुरा था, नदी के इस पार जमुना जी के इस पार गोकुल था। तो जब से गोकुल मथुरा के बीच में, वहां के गोपालक लोग दूध घी दही बेचने को जाते थे, उसी समय आपके नंदलाला अपनी टोली के साथ वहां खड़े रह के उनसे टैक्स मांगते थे। हमारी गुजराती माँ कहवा कानो दान मागे धुतारो दान मागे, अने आपड़ा मैयाराओ गाता अमे मैयारा रे कंस राजाना वाला कोई ने न दईये दान मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान रे मार। तो इसमें बात क्या है, वो टैक्स वसूल करते थे, तो उसी समय ये श्री कृष्ण ने जीएसटी दाखिल करने का प्रयास किया था, जो उसी समय वो पूरा नहीं हुआ था गोकुल में कंस के विरोध के चलते, मगर अभी कई विरोध के चलते इस देश में जीएसटी लागू करने में हमारे नरेंद्र मोदी जी सफल हो गए। तो वहीं से चल रही थी ये परंपराएं, ये अभी तक चालू है, कुछ कुछ काम उस समय के भी बाकी रह गए थे, तो इस बार उन्होंने लागू कर दिए। दोस्तों आप सब युवा लोग हैं और आप में इतनी शक्ति ईश्वर ने डाल के भेजे हैं आपको, आपको रोने के लिए यहां नहीं भेजे गए, आपको हताश उदास निराश होकर घूमने के लिए यहां नहीं भेजे गए, आपको यहां लड़ने के लिए, जो समस्याएं हैं उसका हल करने के लिए, समाज में जो भी आपको कुछ कमियां नजर आ रही हैं इसको बदलने के लिए आपको आगे आना है। राजेंद्र जी आपका स्वागत है, ईश्वर अपनी वच्चे छे, ईश्वर अपनी वच्चे छे। राठौड़ जी, राजेंद्र राठौड़ जी हमारे बीच पधारे हैं, मैं गुजरात में आप सबकी ओर से इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे आपको बताना चाहिए कि राजेंद्र जी अच्छे खिलाड़ी हैं और स्पोर्ट्स के उनकी कामयाबी के चलते वो भारत की संसद में पहुंचने का भी रुतबा रखते हैं। तो ये युवा को एक अच्छे से अच्छा एक प्रेरणा का स्रोत है देश के युवाओं के सामने कि अपने क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे तो दिल्ली के पार्लियामेंट तक के दरवाजा आपके लिए खोलने की क्षमता आप में रखते हो। इनका प्रत्यक्ष ये हमारे राजेंद्र जी प्रमाण है। आप सबको ये
मुझे बताना था कि आप में जो शक्ति है, विवेकानंद जी का एक वाक्य है जो मुझे याद आता है, वो कहा करते थे अपने प्रवचनों में, उदास चेहरा लेकर बाहर निकलने का किसी को अधिकार नहीं है। एड़िया जेवा मोटा करीन बाहर फरे एने तो घरे पाछा मुकी आवा जोईए आपड़ी साइकिल ऊपर बेहारे। मैं लहर करो ने आवी सरस दुनिया छे, आओ सरस वरसाद पड़े छे, आवा सरस वडाप्रधान छे तमारी पाए, अने आवी सरस तमारी पासे युवानी छे, एवा समये आपड़े सौए भेगा मळीने, खास करीने आप सब युवकों को, आप भारत को, हमारे पुरखों के मन में जो अपेक्षाएं थी कि हमारे भारत का इस प्रकार का रुतबा होना चाहिए, और जिस नए भारत की कल्पना को लेकर हमारे मोदी जी दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, विश्व में भारत का नाम बढ़ाने के लिए वो पसीना बहा रहे हैं, 18 घंटा काम करते हैं, आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद आदमी एक दिन भी रजा के लिए न जाए, इससे बड़ा प्रेरणा का और आदर्श युवाओं को ढूंढने के लिए कहां जाने की आवश्यकता है। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जब हमारे साथ हो, और आप सबको मैं एक छोटी सी कहानी बनाकर, अब बहुत सारे मेहमानों को और भी बोलने का है इसलिए मेरी बात को थोड़ा संक्षिप्त करूंगा। रामायण की एक प्रसिद्ध घटना है, जब सीता जी को ढूंढने के लिए अंगद की अगुवाई में पूरी सेना हमारे दक्षिण छोर तक पहुंच गई और सामने दरिया आ गया, और वो संपाति उनने बताया कि सीता जी सामने लंका में रावण नाम के राजा की एक बगीचे में है। अब वहां पता लगाने के लिए कौन जाए, सारी सेना खड़ी थी इधर, कोई ने बोला कि मैं आधे समुद्र तक छलांग लगा सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं सामने किनारे तक चला जाऊं मगर वापस नहीं आ पाऊंगा, ऐसी सारी चर्चाएं चल रही थी। मगर इसमें हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। उसी समय जांबुवंत जी ने एक चौपाई तुलसीदास जी ने उनके नाम लिखी है आप सबके स्मरण के लिए, जांबुवंत जी ने हनुमान जी को चुप बैठते देखकर कहा कि जांबुवंत कह सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे उबलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुनते ही हनुमान जी ने सूर्य के समान रूप प्रकट करके कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा, पहाड़ जेवो रूप धारण करीने त्राण मारीने कीधु के हमने आज्ञा करो, हूँ लंका आखी ने मारी ने रावण ने कूल सहित आई लेतो हूं। मात्र एने आटली जांबुवंते सूचना आपी के राम कार्य माटे तारो अवतार थयो छे ने तू आवी रीते बैठो छे। युवानो, आप बदा भव्य भारतना निर्माण करवा माटेनी आ देशनी मूड़ी छो, तमारे भव्य भारत बनावानुं छे। अहींया सुधी आपणा पूर्वजो लई आवीने आपणे अहींया ऊभा छीए, અહીંથી આગળ લઈ જવાની જવાબદારી તમારી છે, એને માટેનો રાજમાર્ગ મોદી સાહેબ બનાવી રહ્યા છે, એ રાજમાર્ગ ઉપર હિંમતપૂર્વક આગળ વધવા માટેની હિંમત અને હોંસલો રાખીને આપ સૌ આગળ વધો। મારે આપને એક શેર સાથે મારી વાતને પૂરી કરવી છે। આય મેરે દેશ કે જવાનો, આય મેરે દેશ કે જવાનો,
रहना संभल संभल के, रहना संभल संभल के, गद्दार आ रहे हैं शक्लें बदल बदल के, गद्दार आ रहे हैं शक्लें बदल बदल के, आप सब भारत को समर्थ बनाने के, नए भारत बनाने के मोदी जी के सपने को साकार करने में कामयाब रहें, यही शुभकामना के साथ वंदे मातरम।